बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुश खुरम होंगे। रमज़ान है और टफ सी रूटीन है, कुछ सिस्टम अपसेट सा है, सोना जागना उठना और काम शाम ये सब जो है ना वो रूटीन से हट के हो गए हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या पकाया जाए, कोई सब्ज़ी, कोई दाल, कोई गोश्त, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो वैसे भी इफ्तारी के बाद कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो आज सोचा बस ठीक है अंडे बना लेते हैं आलू के साथ। तो मैंने प्याज काट ली है 3 अदद दरमियाने साइज़ की और थोड़ा सा घी डाला है जिसमें लहमाना ही। इसमें प्याज को जो है ना वो हल्का सा जो है वो ब्राउन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा कर लेंगे फ्राई। अल्लाह ताला ने बारिशें भी साथ ही दे दी हैं रमज़ान के साथ ही, बहुत ठंडा ठंडा सा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का सा फ्राई करते हैं जी। प्याज यहाँ हल्की सी ब्राउन हुई है, यहाँ पर मैं लहसुन डालूंगी, 2-3 जवे हैं मैंने चॉप कर लिए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इतना सा। और इसको मैं हल्का सा और फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन की भी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए जी। मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू छील कर और उनको इस तरह छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है, तो ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 से 2 मिनट इसे भूनेंगे, साथ में मसाले भी डाल देते हैं। आलू में जी हमने लिया है 1/2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चाय के चम्मच हल्दी, थोड़ा सा गर्म मसाला पिसा हुआ मिक्स, और 1 चाय के चम्मच नमक, थोड़ा सा जीरा, 1 चाय के चम्मच धड़ा मिर्च, और नमक और मिर्च अपनी मर्ज़ी से ले लें। ये तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको चला लेते हैं, चम्मच को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा सा मिक्स कर लिया है, 4 खाने के चम्मच दही ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को मैंने फेंट लिया था और अब हम इसको अच्छा सा भून लेंगे 4 से 5 मिनट। देखें जी मसाला हमने अच्छी तरह भून लिया है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसका घी भी छूट गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि आलू जो है वो गल जाए। तो पानी शामिल करने के बाद हम इसको ढक देते हैं 5 से 6 मिनट और धीमी आंच पर, और फिर हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। ये आलूओं को ढक दिया है हल्की आँच पर पकने के लिए। यहाँ पर देखें कि मेरे पास कितने ढेर बर्तन हैं धोने के लिए, तो तब तक आलू गलते हैं तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी बर्तन तमाम धुल गए हैं और यहाँ पर आलू भी हमारे गल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पानी भी इनका खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं अंडे। अंडे आप जितने मर्ज़ी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अंडे, तो इनको मैं फेंट लूँगी। अच्छा जी, अंडे डालने से पहले मेरा बेटा जो है ना वो छत पे चढ़ा हुआ है और वो मुझे कह रहा है कि उसकी साइकिल जो है ना वो ऊपर ले आओ, तो मैं लेके जा रही हूँ उसकी साइकिल ऊपर। ये देखें, ये रो रहा है खड़ा और कह रहे हैं कि जी मेरी साइकिल जो है ना वो ऊपर ले के आएँ। ये ले जी, कैसे खुश हो गए देखें, बैठे शाबाश। खुश हो गए, तो चलिए आइए नीचे चलते हैं अब अपने साधन की तरफ। असर का भी टाइम हो गया है तो नमाज भी पढ़नी है, तो कुछ है ना वो मैं कांटे की मदद से फेंट लेती हूँ अच्छा सा। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही अच्छा जो है ना वो अंडा जो है फ्लफी हो जाता है। देखें कैसे फूल फूल सा रहा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो नरम बनती है वो चीज़। ये देखिए अंडे हमारे फेंट गए। अच्छा जी, अंडे फेंटे हुए जो है ना वो हम डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर जो है वो पड़ा रहने देंगे ताकि अंडे जो हैं वो इसमें नज़र आने लगे, और थोड़ी देर के बाद हम इसको जो है ना मिक्स करेंगे। जब अंडे जो हैं वो थोड़ा थोड़ा जमना शुरू हो जाएंगे, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे।
इसको अच्छा सा मिक्स किया है हमने और इसमें डाल दी है 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें और 1 से 2 मिनट इसको भून लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आलू अंडे जो है हमारे तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। तो अब हम इसको ढक देते हैं, तारीख के बाद जो है हम इसको निकालेंगे। टाइम हो गया है असर की नमाज का, तो मैं चलती हूँ नमाज पढ़ने। तो आप मुझे बताएं फीडबैक में कि आपको आज की वीडियो, आज की रेसिपी कैसी लगी है। शाम का टाइम है, देखें इधर सूरज जो है वो ढलना शुरू हो गया है, तो इस साइड पे जो है ना वो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। चिड़िया का घोंसला हनूज यहाँ पर कायम है। तो कैसी लगी है जी आपको आज की वीडियो, आपने मुझे फीडबैक में लाजमी बताना है और आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है और स्किप नहीं करना आपने वीडियो को। इसके अलावा आपने लाइक का बटन ज़रूर दबाना है और जो नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें और उसके साथ ही ऑल के ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।